Assalamu alaikum, this is Wasif Riaz. Welcome back to my channel. This is day 14 of my 30 days challenge of walking 5 miles a day on my treadmill. So I'm done with my first mile. Aaj main ek audio book sun raha hu, Thinking Fast and Slow. I'll leave the name of the author in the description as well. Uski thodi thodi highlights pe baat karte hain. Sabse pehle to जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि हमारा माइंड जो है ना उसमें दो किस्म के प्रोसेस होते हैं. एक होता है ऑटोमेटिक या इंटुएटिव जैसे आप कहते हैं और दूसरा होता है मोर कंसिडरेट. हम अपनी डेली लाइफ में मोस्टली जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसको यूटिलाइज करते हैं जो इंटुएटिव है बिकॉज इट्स ईजियर. उसमें एग्जाम्पल वो देते हैं कि जब कोई कहीं पे आप बैठे होते हो एक बैंक होता है तो आप फौरन से उस तरफ देखते हो राइट. तो ये इंट्यूशन है कि आर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काइंड ऑफ. और दूसरी जो सोचने वाली एग्जांपल है वो ये है कि जब आप किसी को भीड़ में ढूंढ रहे होते हो सपोज़ आपकी वाइफ आपका बेबी तो देन यू आर पेइंग मोर अटेंशन. आपका फोकस इस चीज़ पर होता है कि उसने क्या पहना हुआ है और इतने बड़े क्राउड में भी यू कैन फोकस एंड आइडेंटिफाई द पीपल दैट यू आर लुकिंग फॉर. दूसरा उसमें मैसेज जो दिया है उसमें वो बात करते हैं कि वी आर लेज़ी. हम अपनी सोच को भी दिमाग को भी कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी आर लेज़ी पीपल. उससे क्या होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं या हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग वो अच्छी नहीं होती क्योंकि वो जंप इनटू कंक्लूजन्स और फौरन से अपने इंट्यूशन के बेस पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके उस पर डिसीजन दे देते हैं बजाय इसके कि हम थोड़ा सा टाइम लें उस पर रिसर्च करें और उसके बाद आंसर करें. तो अब चलते हैं बाकी के माइल्स कंप्लीट करते हैं और साथ साथ इस बुक के बारे में थोड़ी और मजे मजे की बातें करते हैं. आई एम डाउन 1.5 माइल्स 30 मिनट्स हो गए तो आई रिड्यूस माई इंक्लाइन. और अगले दो की मैसेजेस पे बात करते हैं जो इस बुक में है. थर्ड मैसेज है प्राइमिंग का. प्राइमिंग मीन्स कि जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं या जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली पड़ी होती है जैसे कि चीज़ों के स्पेलिंग और इसी तरह डिफरेंट चीज़ें. जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है हम वही सबकॉन्शियस से जो हमारी लर्निंग है उसी को यूज़ करके जल्दी से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से कभी कभी वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं. उसमें एग्जांपल दी उन्होंने कि SO-P तो ये कौन सा वर्ड बनेगा. तो यूजली हम सूप का सोच लेते हैं क्योंकि खाने में है और उसकी यानी कि एग्जांपल है कि हमने वो सीखा हुआ है वर्ड हमारे मुँह पर चढ़ा हुआ है. लेकिन सूप इज़ ऑल्सो यानी कि उसी फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप ए लगा देंगे तो वो सोप भी बन जाएगा. तो ये एग्जांपल है प्राइमिंग की. चौथा की मैसेज उसमें बुक में है अबाउट हेलो इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस. उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोगों के साथ चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स. स्टीरियोटाइपिंग भी आप उसको कह सकते हैं कि जब आप किसी का नाम सुनते हैं और सपोज़ कि आपको एक बंदा था इरफान तो इरफान के साथ अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो आप फौरन से एक जजमेंट बना लेंगे कि इरफान एक बुरा आदमी है. और अगर आपका इरफान के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है या वो फ्रेंडली बंदा था कोई आपका जानने वाला तो आप फौरन से एसोसिएट कर देंगे वो हेलो इफेक्ट उसके साथ कि आप कहेंगे वो पॉजिटिव बंदा है विदाउट नोइंग दैट पर्सन. यही चीज़ हमारी डिसीजन मेकिंग में आती है कि हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठे किए बगैर जब डिसीजन लेते हैं तो हमारी जजमेंट जो है वो गलत हो सकती है. इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई आप डिसीजन ले रहे हो तो डेटा कलेक्ट करें डेटा एनालाइज करें और उसके बाद कोई डिसीजन लें. बात करते हैं फिफ्थ की मैसेज की. सो फिफ्थ की मैसेज इस बुक का है कि वी डेवलप शॉर्टकट्स टू मेक आवर डिसीजंस. अब उसमें एक एग्जांपल दिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि क्या ये बंदी बंदा एक शरीफ की पोजीशन के लिए ठीक है। आप काउंटर क्वेश्चन आपके जहन में चल जाता है कि ऐसे बंदे को क्या शरीफ होना चाहिए, ठीक है, ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को शरीफ होना चाहिए। तो इस तरह की कोई एग्जांपल है कि हम ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को डिसीजन लेने से पहले, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि समटाइम्स हम इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। सेकंड बात इसी चैप्टर में वो करते हैं कि जब आपके पास स्टैटिस्टिक्स हों तो कोशिश करें वो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके फिर अपना डिसीजन लें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग वो थोड़ी सी सोचें बेस्ड ऑन आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिक्स और सेवन्थ मैसेजेस। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था, उससे थ्योरी का नाम दिया है जी के निगलेक्ट ऑफ बेस रेट। तो ऑफन क्या होता है कि एग्जाम्पल है जो इन्होंने लिखी है कि एक कैब कंपनी है जिसके पास 80% रेड कैब्स हैं और 20% येलो कैब्स हैं। जब आप कैब ऑर्डर करते हो यू स्टिल एक्सपेक्टिंग येलो कैब, यानी कि येलो कैब अगर आपने ऑर्डर किया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट येलो कैब कमिंग वो चेंज नहीं होगी, वो 20% ही रहेगी। हो सकता है कि हर यानी कि चार रेड कैब के बाद एक येलो कैब आए, अगर नहीं भी आती फिर भी वो बेस रेट सेम रहेगा। तो इसीलिए जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप बेस रेट निगलेक्ट नहीं कर रहे, और जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हैं नंबर्स को लेजी तरीके से डील नहीं कर रहे, नंबर्स को रीड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन यू आर मेकिंग अ डिसीजन। उसके अलावा दूसरी चीज़ मेमोरी के बारे में बड़ी मज़े की बात है। सातवां मैसेज जो है दे टॉक अबाउट मेमोरी, कि मेमोरी में दो चीज़ें, एक है ड्यूरेशन इफ़ेक्ट और एक है एंड इफ़ेक्ट। ड्यूरेशन इफ़ेक्ट और एंड इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि दो ग्रुप्स को लिया उन्होंने और दोनों की कोलोनोस्कोपी जो है परफॉर्म हुई। एक ग्रुप की वो ये प्रोसीजर जो है काफ़ी लंबा रहा, ऑल्दो पेनफुल था लेकिन काफ़ी टाइम लगा, और दूसरे ग्रुप का प्रोसीजर जल्दी हो गया, लेकिन वो जल्दी में पेन लेवल जो था वो बढ़ाते गए और एंड पे सबसे ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस की। तो जब रिजल्ट्स आए तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो ग्रुप ज़्यादा देर पेन में रहा, ज़्यादा देर प्रोसीजर में रहा, उनको ज़्यादा पेन होनी चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली जो ग्रुप शॉर्ट पीरियड के लिए उनका प्रोसीजर हुआ लेकिन एंड पे उन्होंने पेन एक्सपीरियंस की, तो उनका ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस था। तो इस तरह ये होता है कि हमारे एक्सपीरियंस जो है हमारा माइंड उसको प्रॉपरली रिमेंबर यानी कि याद नहीं करता, सिर्फ उसके कुछ इफ़ेक्ट्स उठा के, जिस तरह एंड इफ़ेक्ट उठा के हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बुरा था या अच्छा था, लेकिन पूरे एक्सपीरियंस को माइंड जो है याद नहीं कर पाता। 4 miles कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं 8वें मैसेज की। तो उसमें अगेन बीइंग लेज़ी, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमें आसानी से समझ आ जाएं, तो हम कॉग्निटिव ईज़ इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग कंपनीज़ वो क्या करती हैं कि हमें चीज़ें रिपीट करती हैं, एड चलती जाती है हर जगह पे, तो उससे हम परसुएड हो जाते हैं। तो अगर आपने किसी को परसुएड करना हो तो आप मैसेज को रिपीट करें, ठीक है, उससे फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है एक माइंड के अंदर और इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल। दूसरा ये है कि जब आपने किसी को सोचने पे मजबूर करना हो या थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट करना हो तो फिर आप मुश्किल प्रॉब्लम्स देते हैं जिससे वो आपका माइंड का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। 9th मैसेज इसमें ये है कि आप प्रोबेबिलिटीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक ये हो सकता है कि ये दवाई जो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को 0.001% है, और दूसरा आप कहने का तरीका ये है कि अगर आप ये दवाई यूज़ करेंगे तो 1000 में से एक बंदे को जो है साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो जो ये सेकंड मैसेज है इसको एक्सेप्टेबिलिटी इसकी कम होगी, जो पहला मैसेज है जिसमें आप कह रहे हो 0.001 चांसेस हैं कुछ होने के। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी जो है माइंड उसको परसीव करता है, एंड जब आप किसी को चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन इफेक्ट अदर पर्सनस परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। लास्ट माइल कंप्लीट करते हैं और रैपअप करते हैं अपनी इस बुक के की मैसेजेस को भी।
सो आई एम डाउन 4 miles 4.8 miles और मैंने सोचा लास्ट 3 जो बिट्स हैं इस बुक की वो भी जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. तो थर्ड लास्ट मैसेज है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूटिलिटी. हम अक्सर डिसीजन लेते हैं या वो चीज़ हमें परसुएट करती है जब हमें लग रहा हो कि उसका कुछ हमें फ़ायदा होगा अल्टीमेटली. ठीक है, तो हम उस चीज़ को प्रेफर करते हैं. कहने को रैशनल डिसीजन हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ये रैशनल डिसीजन नहीं होते. क्योंकि सपोज एग्जाम्पल दिया है कि एक बंदा है, उस एक बंदा और एक बंदी दोनों के पास $5 million हैं, तो उन्हें सेम लेवल का खुश होना चाहिए. लेकिन अगर एक वो बंदा है जो गैम्बलिंग करने आया था उसके पास 1 million थे एंड ही इज़ नाउ ऑन 5 million, और दूसरी जो बंदी है वो 9 million लेके आई थी और अब उसके पास 5 million है, तो देर इज़ क्लियरली अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस लेवल ऑफ बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो इसीलिए अगेन बैकग्राउंड फैक्ट्स होना ज़रूरी है बिफोर आप जज करेंगे. दोनों के पास 5 million है, ये तो अमीर है तो इन्हें खुश होना चाहिए. ठीक है, दूसरा सेकेंड लास्ट मैसेज जो इसमें है दैट इज़ अबाउट क्या कहते हैं कि प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट. अगेन हम लॉस अवर्स लोग हैं, हम हमेशा ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें हमें क्विक गेन हो जाए, वो डिसीजन नहीं लेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा भी रिस्क लगे कि शायद हम कुछ लूज़ कर दें. समटाइम्स ये भी होता है कि हमारा जो यानी कि अगर हम गैम्बल करें उस चीज़ पे या ना करें हमारा लॉस उतना ही होगा, लेकिन हम अगेन कोशिश करेंगे कि उस चीज़ पे गैम्बल करें जिस पे हमारा यानी कि जो हमें लगता है जो हमारी परसेप्शन है कि उस पे हमें कम लॉस होगा, तो हम वो चीज़ जो है ना उस पे जल्दी से एक्ट कर लेते हैं बजाय इसके कि दूसरी चीज़ को देखें. लास्ट मैसेज जो इस बुक का है वो ये है कि हम अपने डिसीजन लेते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस पे नहीं बेस कर रहे होते, बस ऐसी हमारी अगेन इंट्यूशन होती है. हमें जो हमने बचपन से सीखा है वो चीज़ें, जैसे समर्स है, मेरे साथ भी यही होता है, समर्स है चाहे जैसी मर्जी फोरकास्ट है, चाहे बाय 15 degrees है या 14 degrees ही है, मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के चला जाता हूँ और बाहर ठंड लग रही होती है, या ये होता है कि मुझे कि बाहर बारिश हो रही होगी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि समर्स में बारिश हो रही हो. तो ये हमारे डिसीजंस हैं जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, लेकिन पास्ट लर्निंग्स पे बेस्ड होते हैं लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. तो अगर आपने इस तरह के डिसीजंस लेने हो तो हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करें. जिस तरह अब हम UK में काफ़ी देर से रह रहे हैं तो हमें पता है बाहर बारिश होनी होनी है, तो और दूसरा कि सर गर्मियों में भी ठंड हो सकती है, तो ऑलवेज कीप अ जैकेट विद यू, वी ऑलवेज कीप एन अम्ब्रेला विद अस. तो इस तरह की चीज़ें जो है ये भी यानी ये सोचनी चाहिए व्हेन वी आर टेकिंग डिसीजन. जो फोरकास्ट करें अपने चीज़ों की उसमें सोचें कि आपका एक्चुअल पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, बजाय इसके कि एक जनरल जो मिथ बना हुआ है उस मौसम के बारे में या उस चीज़ के बारे में उसको कंसिडर करें. ओवरऑल वेरी नाइस बुक, आई थिंक यू शुड रीड इट. इट हैज़ वेरी गुड की मैसेजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स में शेयर भी करें कि वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू इन सारे की मैसेजेस में से, और आपकी लाइफ में कितना ही अप्लाई होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई एम डन विद माई 5 miles अल्हम्दुलिल्लाह. आई विल सी यू टुमारो. ओवरऑल आई एम 70 miles डाउन. तो स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड अल्लाह हाफिज़.